नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 जिसके लिए आवेदन शुरू है उससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज सेवा 2022 की तैयारी में जुटे सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के माध्यम से भरे जाने वाली सभी रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की है। आयोग द्वारा 17 फरवरी को जारी नोटिस के अनुसार भारतीय रेल प्रबंधन सेवा ग्रुप क के 150 पदों को भी इस साल की परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। इस प्रकार IRMS ग्रुप ए के इन नए जोड़े गए पदों के लिए चलते कुछ रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1011 हो गई है। बता दें, पहले यूपीएससी ने 2 फरवरी को जारी CSE 2022 अधिसूचना में 861 रिक्तियों की घोषणा की थी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के साथ ही 151 रिक्तियों वाली भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा के लिए भी अधिसूचना 2 फरवरी को ही जारी की थी। यूपीएससी द्वारा CSE एवं IFS 2022 दोनों के लिए संयुक्त रूप से पहले चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 फरवरी से ही चल रही है। यूपीएससी द्वारा CSE एवं IFS के यूपी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 फरवरी निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वे आयोग के एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in उपलब्ध कराए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एप्लीकेशन के 2 स्टेज है। पहले चरण में उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा और फिर आवंटित पंजीकरण संख्या एवं अपनी जन्म तारीख के माध्यम से लॉगिन कर उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आप इन्हें वेबसाइट के माध्यम से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, यूपीएससी CSE 2022 नोट का भी नोटिफिकेशन लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से बेहतरीन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।